नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल की महादशा के विषय में। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल की यदि महादशा चलती है तो वो अपने कैसे फल या क्या परिणाम देती है, इस बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा सटीक उपाय, ऐसे सटीक उपाय जिन्हें करने से यदि कहीं मंगल की महादशा किसी तरह से खराब फल देने वाली है तो उन खराब फलों में भी जरूर से कमी कर देगी। मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहूंगा सबसे पहले कि मंगल जो है वो कन्या लग्न की कुंडली में क्या रोल प्ले करते हैं। फिलहाल अभी आप ये जो कुंडली देख रहे हैं ये कन्या लग्न की है। क्यों? क्योंकि इसके पहले भाव में, इसके लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि, वर्गो, और कन्या राशि के स्वामी हो जाते हैं बुध। अभी बुध और मंगल में बड़ी शत्रुता होती है। चूंकि शत्रुता होती है तो कभी भी बुध की कुंडली में मंगल और मंगल की कुंडली में बुध अच्छे फल नहीं देते। कहने का मतलब मारक ग्रह हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो मंगल है वो कन्या लग्न की कुंडली में मारक ग्रह हो जाएंगे। यहाँ पर जो मंगल है वो अष्टमेश होते हैं और साथ ही साथ तृतीयेश होते हैं। कुंडली का तीसरा स्थान जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो कुंडली में तृतीयेश मंगल हो गए। और इसी के साथ साथ अष्टमेश जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वो है कुंडली का 8वां स्थान, 8वां भाव, और 8वां भाव के स्वामी जो हैं वो अष्टमेश कहलाते हैं। तो मंगल अष्टमेश और तृतीयेश हो जाते हैं। चूंकि कोई ग्रह अष्टमेश हो जाता है तो वो अति मारक ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। यदि कोई योगकारक त्रिकोण के स्वामी है वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर मंगल जो है वो अति मारक ग्रह यानी सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। अभी निसंदेह यदि मैंने सबसे बड़े दुश्मन ग्रह कह दिया तो सामान्यतः यदि मंगल की महादशा चलेगी तो कन्या लग्न की कुंडली में खराबी फल इसने देना है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति, इवन एक विशेष परिस्थिति होगी जहां पर ये अपने अच्छे फल देंगे। वो विशेष परिस्थिति है विपरीत राजयोग की परिस्थिति। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि विपरीत राजयोग क्या होता है तो इसी चैनल पर आप जाइए, विपरीत राजयोग का आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसे देखिए, उसे समझिए, उसे सीखिए। लेकिन यदि कन्या लग्न कुंडली में मंगल विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के बैठ गए तो अपने राजयोग जैसे मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे फल देने वाले। लेकिन विपरीत राजयोग की स्थितियां बहुत कम बनती है। आप ये समझ लीजिए कि 100 कुंडलियां आई हैं तो उसमें से केवल 1 कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी, तो बहुत ही ज्यादा कम बनती है। इस वजह से मेरा कहना यह है कि सामान्यतः जो है वो मंगल खराब ही फल देते हैं। और यहाँ पर आप जो कुंडली देख रहे हैं यहाँ पर 2 कलर हैं, 2 रंग हैं। एक जगह पर सफ़ेद रंग है, सफ़ेद कलर है कुछ भावों में, और कुछ भावों में येलो रंग है। कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में येलो रंग है। विपरीत राजयोग यहीं पर बनेगा, तो जहाँ येलो रंग है वहाँ पर यदि मंगल विपरीत राजयोग की स्थिति में आते हैं तो अच्छे फल देंगे, लेकिन विपरीत राजयोग में नहीं आते हैं तो खराब फल भी देंगे और 100% देंगे। तो सबसे पहले सामान्यतः से खराब फल ही मिलते हैं। जहाँ सफ़ेद रंग है वहाँ पर यदि मंगल होंगे और मंगल की माता से चलेगी तो खराब ही फल देखने को मिलेंगे। तो खराब फल क्या देखने को मिलेंगे ये हम समझते हैं। देखिए, चूंकि मंगल अष्टमेश है, अष्टम भाव का मतलब क्या होता है? चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, कभी कभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो मंगल यहाँ पर जो है चिंता, तनाव, एंजाइटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चूंकि मंगल जो है वो एक एग्रेसिव प्लैनेट होते हैं, एक उग्र ग्रह होते हैं, तो उग्र ग्रह की वजह से ये गुस्सा, ये शॉर्ट टेम्पर, जल्दी से चिढ़ हो जाना जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। चूंकि मंगल तृतीयेश है, तृतीय भाव का मतलब होता है फिजूल की भागदौड़, फिजूल की मेहनत, फिजूल का खपना। अभी फिजूल खपने का मतलब ये, देखिए मेहनत हर किसी को करना है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है या कभी कभी आपने खुद ने, हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि यार मैं जो है वो काम करने कहीं जाता हूँ या जाती हूँ, मेरा कलीग या मेरे फ्रेंड उस काम को एक बार में कर लेते हैं, मुझे 4 या 5 बार में उस काम को करना पड़ रहा है। कहने का मतलब 4 या 5 बार की फिजूल की मेहनत मुझे करना पड़ रही है, जो काम एक ही बार में हो जाता था उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। क्या ये मेहनत अच्छी है? फिजूल की मेहनत अच्छी नहीं है, मेहनत करना अच्छी बात है। ये जो फिजूल की मेहनत है मंगल इसे जनरेट करते हैं यदि मंगल की महादशा चलती है। तो
अभी ये फिजूल की मेहनत स्टूडेंट्स पर भी लागू होती है, जो काम जो पढ़ाई या जो याद करना है या जो रिमाइंड करना है, जो रिस्टडी करना है, यदि कोई काम एक घंटे में हो सकता है तो वो चार घंटे पाँच घंटे लग रहे हैं उसी काम में। कोई सबमिशन है, किसी प्रोजेक्ट का सबमिशन है स्कूल में कॉलेज में, सबके प्रोजेक्ट जमा हो गए, किसी वजह से वो प्रोजेक्ट हमारा ख़राब हो गया या अपेयर ही नहीं हो रहा, दिख ही नहीं रहा है, हमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन एट द मोमेंट वो चीज़ ख़राब हो गई, तो अब उस पर फिजूल की और मेहनत करना पड़ेगी। तो ऐसी मेहनत फिजूल की मेहनत कहलाती है और वो ही मंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। कभी कभी दुस्साहस को भी मंगल रिप्रेजेंट कर देते हैं। दुस्साहस का मतलब ये कि जहाँ पर नहीं बोलना है, जहाँ पर जो काम नहीं करना है वो काम कर लिया जाए, ऐसा काम ऐसा काम कर लिया जाए जिससे समाज का नुकसान हो, जिससे हमारा नुकसान हो, तो ऐसी स्थिति और निर्माण हो जाता है। चोरी, चोरी एक दुस्साहस है, क्या चोरी एक साहसिक कार्य है? भाई ऑब्वियसली इसमें कितना ज़्यादा साहस लगता है, किसी के घर में घुसना, अभी पुलिस आ जाए, चोरी करने के बाद हम पकड़ा जाए, डाका डालना, तो क्या ये इसमें साहस नहीं लगता? साहस लगता है, तो क्या ऐसे लोगों को हम साहसी कहेंगे? नहीं, ये दुस्साहस है, जो गलत तरह का साहस है। तो इस तरह के काम में मंगल लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंगल की माताचा चलती है जिनको वो चोर होते हैं, मेरा इस तरह से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मैं केवल एक दुस्साहस को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो स्थितियाँ कई बार निर्मित हो जाती है। दुस्साहस ऐसा भी हो सकता है जैसे जुए में पैसा लगाना। अभी जुए में पैसा लगाना क्या एक साहसिक कार्य है? ये दुस्साहस है। अभी इसमें जो है वो हार गए तो गए काम से, पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो ये जो है, ये इस तरह के दुस्साहस जो है मंगल यहाँ पर निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो नो डाउट मंगल अपने खराब फल देते हैं। लेकिन यदि मंगल विपरीत राज्यों में आकर के बैठ गए, मान लेते हैं, तो फिर क्या? तो मंगल जो है वो एक एग्रेसिव प्लैनेट तो है, तो एक एग्रेशन देंगे। किस तरह का एग्रेशन? एग्रेशन मतलब ठानने की क्षमता, मुझे ये करना है मतलब करना है, और सही तरह से, जैसा मैंने भी कहा ना कि दुस्साहसी होकर के व्यक्ति काम करता है, नहीं, व्यक्ति साहसी हो जाता है जब विपरीत राज्यों में मंगल आते हैं, और सही साहस सही दिशा में लगता है, और ठानने की क्षमता विकसित होती है, अडिग रहने की क्षमता विकसित होती है, और उस वजह से जातक जो है वो जीतता है अपने जीवन में, उन्नति हासिल करता है, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होता है, माइंड जो है पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छी सोच होती है, और व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में, चाहे वो पढ़ाई की बात करें, चाहे स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे नौकरी की बात करें, चाहे हम बिजनेस की बात करें, सारे क्षेत्रों में सफलता हासिल करता है। तो ओवरऑल मंगल जो है निसंदेह बहुत ही अच्छे फल देते हैं यदि विपरीत राजयोग में आकर के बैठ गए। इवन कोई भी प्लैनेट यदि किसी प्रकार के राजयोग में आकर के बैठता है तो अपने अच्छे फल देता है। एक और चीज़ हो सकती है, नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग इस कुंडली में नहीं बनता, क्योंकि मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि कोई भी ग्रह यदि मारक है तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण नहीं करता है, तो नीच भंग राजयोग यहाँ पर नहीं बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको मंगल की महादशा के विषय में समझाया कि कहाँ पर कैसे ये अपने फल देगी कन्या लग्न की कुंडली में। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या उपाय किए जाने चाहिए। ऑब्वियसली सामान्यतः मंगल अपने खराब फल देते हैं, तो मंगल के लिए आपको एक मंत्र करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जाप रोजाना सुबह के समय करना है 108 बार। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो भी लाल चीज़ें हैं, रेड चीज़ें हैं, चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे पीने की हो, उनका त्याग करना है, ख़ास तौर पर मंगलवार के दिन, और उन्हें डोनेट करना है, उन्हें डोनेशन किसी को दान देना है, और खुद ने खाना पीना पहनना नहीं है मंगलवार के दिन। तो ये चीज़ें यदि करते हैं तो मेरा मानना ये है कि मंगल के खराब फलों में ज़रूर से कमी देखने को मिल जाएगी, यदि मंगल खराब फल दे रहे हैं तो। तो यहाँ पर हमने महादशा के विषय में भी समझ लिया, कब अच्छे कब खराब फल के विषय में भी समझ लिया, और साथ ही साथ उपाय के विषय में भी समझ लिया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।